परम पूज्याचार्य भगवान विद्यासागर जी के चरणों में शत शत नमन। हम भाग्यशाली हैं कि उनका दर्शन कर पा रहे हैं, उनकी वाणी सुन पा रहे हैं। आचार्य श्री के पास जब भी मैं बैठता हूं, उनमें मुझे एक क्रांतिकारी देशभक्त की छवि नजर आती है। आचार्य श्री के संकल्प और आशीर्वाद की वजह से देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और इंडिया को अब भारत कहा जाने लगा। आचार्य श्री की सोच है कि समृद्ध भारतीयता, भारतीय शिक्षा पद्धति का इतिहास जन जन तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए लगातार अलग अलग पुस्तकों की प्रतियोगिता हो रही है जिनको पढ़कर आम लोग भारत के इतिहास को समझ सके, उन पर गर्व कर सके। इसी कड़ी में अभी 23 जनवरी से 30 जनवरी तक भारतीय शिक्षा के मूल तत्व नामक पुस्तक पर, जिसके लेखक श्री लज्जाराम तोमर हैं, उस पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मैं आप सब से आह्वान करता हूं कि लिंक पर क्लिक करके उस पुस्तक को जरूर से जरूर पढ़ें और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। बड़े बड़े पुरस्कार हैं उनकी बात और है, लेकिन जब इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर आप भारत को पहचानेंगे तो आपकी ये सोच दूर हो जाएगी कि भारत एक अनपढ़ देश है या साक्षरता तो अभी अभी आई है। यदि आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपनिषद काल में भारत में 80% साक्षरता थी। मुगलों ने बहुत सारी पाठशालाएं तोड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत को उतना नष्ट नहीं किया जितना अंग्रेजों ने नष्ट किया। भारत का ज्ञान महज अक्षर ज्ञान नहीं था, उसमें व्यवहार ज्ञान था, व्यवहारिक ज्ञान था, उसमें शास्त्र ज्ञान था, उसमें शस्त्र ज्ञान था, उसमें अन्न ज्ञान था, उसमें चिकित्सकीय ज्ञान था। और जब कोई भारत की गुरुकुल पद्धति से पढ़कर निकलता था तो अपने आप में कंप्लीट पर्सनैलिटी, एक संपूर्ण पुरुष होता था। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, आप भीतर से हिल जाएंगे और आपको अपने देश पर गर्व होगा। इंडिया हटाना है, एक दिन पूर्ण रूप से भारत बनाना है और भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आना है। मैं सबसे एक बार फिर आह्वान करता हूं कि बहुत बड़ी तादाद में खुद भी हिस्सा लें, अपने आसपास वालों को भी प्रेरित करें, क्योंकि पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के नेतृत्व में यह महान यज्ञ चल रहा है, जिसको जयपुर के हमारे युवा साथी सौरभ जैन संचालित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं जिससे आप भारतीयता की सच्चाई से परिचित हो सके। आइए इस नए आह्वान में, इस जंग में साथ दीजिए और परम पूज्य आचार्य भगवान के संकल्प को सच बनाइए। जय जिनेंद्र।